तो चलिए ब्रेकफास्ट कर तिप्पेश्वर को ए दियो बोलकर, टाइगर टेल्स रिसॉर्ट को ए दियो बोलकर, वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन। अब कहाँ जा रहे अपन बोले तो, अपने को तिप्पेश्वर में तो टाइगर दिखा ही नहीं ना, तो अपन टाइगर को ढूंढने के लिए कहीं और जा रहे। कहाँ जा रहे आप लोग पढ़ लिए ना उसमें, अपने टाइटल में तो पढ़ लिए ना, फ्रॉम तिप्पेश्वर टू ताडोबा। ताडोबा में भी हम लोगों को जो है सो की ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रही थी टिकट्स की, तो नीरा जो है सो की शी कॉन्टेक्टेड रितु भाभी, एंड रितु भाभी के थ्रू पराग निगम से जो है सो की वी गॉट अ जीप राइड, जीप सफारी इन ताडोबा। थैंक यू रितु भाभी एंड पराग फॉर दिस रियली बिग हेल्प ऑफ योर्स। तो लेट्स सी, अब हम लोगों को दिस इज नॉट अ रेगुलर सफारी, दिस इज अ वीआईपी सफारी हम लोगों को जो मिल रही। तो देखिए अब चलते चलते आप लोगों को मैं ताडोबा को जाते जाते रास्ते में नज़ारे बता। तिप्पेश्वर से ताडोबा इज अगेन आई थिंक हम लोग 2 बजे के करीब ताडोबा पहुँचेंगे। जाते जाते हम लोगों को बीच में जो है सो कि एक रिवर मिली, अच्छा पानी था इसमें लेकिन थोड़ा मडी था। तो हम लोग अब निकल कर रास्ते पर, देखिए ये रिवर पर जो है सो कि वो ही नहीं है, बाउंड्री नहीं है, इट इज़ सो वेरी डेंजरस। तो देखिए हम लोग अब निकल कर, पानी तो अच्छा है, देखिए बिल्कुल 1-6 इंच की दीवार है बस, दिस इज़ वेरी डेंजरस, द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। तो हम लोग अब यहाँ से निकल कर चल रहे, हम लोग अब रुक रहे नहीं, बिकॉज हम लोगों को लंच के लिए भी चाय के लिए भी नहीं रुकने का है, क्योंकि हम लोगों को ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर ड्राइव करने का है। ये देखिए वहाँ पर है ना कोल ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, वो रेलवे है। तो एट लास्ट हम लोग पहुँच गए असगरी गेट। अपन गेट के एंटर हुए बाद से भी अपने को बहुत दूर तक ड्राइव करना है, तो हम लोग अभी ड्राइव करते हुए चले जा रहे आगे की तरफ। ये मेरा स्लोमो हो गया, तो अपन ड्राइव करते हुए चले जा रहे। देखिए आप कितना खूबसूरत है मालूम, आजू बाजू फॉरेस्ट है, दैट इज़ नेशनल फॉरेस्ट है, कवर्ड है, और अपन बीच में से जो है सो कि जा रहे, अपन अपने को मेन असगरी गेट पर जाने का है, तो अपन वहाँ तक जा रहे। तो देखिए अब आपको आगे गए तो आगे चेक पोस्ट है, यहाँ पर अपने को रजिस्टर करना पड़ता अपन अंदर जा रहे बोलकर। तो यहाँ पर अपन रजिस्टर करें, बाजुक जो है सो कि एक बटरफ्लाई का पार्क है, थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट पार्क फॉर द किड्स टू प्ले एंड ऑल है, लेकिन हम लोग रुक कर देख नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हम लोगों को 2:30 को हमारी सफारी, 2:33 के बीच में हमारी सफारी शुरू हो रही थी, तो जब तक हम लोगों को जो है सो कि वहाँ पर रहने का था। तो अब हम लोग वहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं, यहाँ पर लाइन में वेट कर रजिस्टर करा कर अपने को अंदर जाने का रहता असगरी गेट से, ये गेट से अंदर जाना रहता। अंदर गए तो असगरी गेट के पास अपने को अपने को जीप अलॉट कर देते हैं वो लोग, और यहाँ पर भी नो सेलफोन्स आर नॉट अलाउड। अपने को जो है सो कि सेलफोन सेम जैसा तिप्पेश्वर में उन लोग बॉक्स में रख देते, वैसे यहाँ पर भी उन लोग बॉक्स में रख देते शायद, मैं समझती हूँ। फिर यहाँ से जो है सो कि अपने को कैमरे का जो है सो कि दे आर चार्जिंग अराउंड 250, कौन सा भी कैमरा रहे तो 200 या 250 रुपए कुछ लेते ये लोग अपने कैमरे के लिए। तो देखिए अभी अपन चले गए गौरव भी असगरी गेट के लिए अंदर जा रहे, सो फोटो ले रहे। लाइन में वेट करना, सब्र करना पड़ता भाई, अपन अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो हम लोग वहाँ पर वेट करके देखिए असगरी गेट के अंदर पहुँच गए हम लोग। अब अंदर पहुँचे बाद से भी जो है सो कि एक बहुत बड़ा लॉन्ग ड्राइव है अपने को, जहाँ पर अपनी गेट अंदर अपने को, इट इज़ नॉट अ कोर एरिया, असगरी गेट जो है ना दैट इज़ नॉट अ कोर एरिया, दैट्स अ बफर जोन। लेकिन ये बफर जोन में भी टाइगर साइटिंग होती, तो हम लोग अब लेट्स ट्राई आवर लक कैसा रहता बोलकर। तो यहाँ पर तो लोग हैं, बोल तो गाँव हैं आजू बाजू, तो लोग तो रहते ही रहते। तो हम लोग अब आराम से ड्राइव करते हुए चले जा रहे, और देखिए आप अतराफ का देखिए कितना अच्छा वातावरण है, और वेदर भी तो परफेक्ट वेदर था, ये धूप नहीं थी, बारिश नहीं थी, अच्छा अच्छा वेदर था, बहुत
हम लोग जो है सो कि आराम से ड्राइव करते हुए पहुंच गए। अब देखिए ऑलमोस्ट 2 बज रहे, सुबह 8:30-9 बजे हम लोगों का ब्रेकफास्ट हुआ था। अब तो सबको भूख लग रही, तो हम लोग पहले अजगरी गेट जाएंगे, फिर वहाँ से जो है सो कि देखेंगे अगर कुछ खाने को मिलता तो खाना खा लेंगे। खाने को बोल दो, अब खाना तो नहीं मिलता अपने को, माइट बी विल गेट सम चाय सैंडविचेस, अंडा ब्रेड या मैगी कुछ मिल गया तो पोहा वोहा, यहाँ पर तो पोहा ही मिलता मोस्टली, कांधा पोहा कुछ भी मिल गया तो अपन ले लेकर खा लेंगे, वो बनकर सोच रहे हम लोग। तो अब देखिए इतना मस्त माहौल है ना, कुछ बोलना नहीं। तो एक्चुअली मैं ये जब ट्रिप पर आई ना, तो मेरे बच्चों को मैं मेरे किस्से सुना रही थी। हम लोग जब ताड़वाई गए थे, ताड़वाई वारंगल के पास एक फॉरेस्ट है, तो हम लोग वहाँ पर टाइगर किल देखे थे। टाइगर किल बोलते एक बफलो, एक टाइगर जो है सो कि 2 बफलोस को मार दिया था। दैट वॉज एन रियल एक्सपीरियंस। वो भी एक जगह जीप रुक कर फिर हम लोग वॉक कर कर गए थे। तो ये देखिए, ये वहाँ पर ताड़ोबा का लेक है। ये मोस्टली यहाँ पर भी बहुत अच्छी साइटिंग होती कते। तो अब देखना अपन अपन अंदर गए बा से, यहाँ से तो मैं आपको बाहर से व्यू बता रही हूँ। ये ग्रीनरी, बारिश पड़ कर तो जो बारिश के वजह से है ना, पूरा जंगल ग्रीन ग्रीन हो गया, इतना अच्छा दिख रहा है, कुछ बोलना नहीं, आँखों को सुकून हो रहा अपने। ये लेक के पास से देखिए कितना खूबसूरत लेक है। मोस्टली कहते हैं इवनिंग टाइम पर ये जो बैंक्स है ना, बैंक्स के ऊपर जो है सो कि आपको साइटिंग होती कहते। तो देखेंगे अपने को अब क्या साइटिंग होती बोलकर। अब तो हम लोग निकले सो है, एक वक्त है ना हम लोग फुपाजी के साथ जो है, फुपाजी के साथ जब एक फॉरेस्ट पर थे ना, तो उस जब हम लोगों को एक वहाँ का जो आदमी था ना फॉरेस्ट का, उन्होंने बोला आज हम आप लोगों को टाइगर दिखाते हैं। तो हम लोगों को जीप में, हम लोग पूरे बच्चे जो है सो कि जीप में बैठकर जंगल में चले गए। और उन्होंने 100% था वो पूरा ट्रैक कर हम लोगों को टाइगर दिखाने के लिए परफेक्ट था वो। लेकिन क्या हुआ मालूम, सर्च लाइट, जब उस ज़माने में सर्च लाइट लेकर रात में जाते थे तो वो सर्च लाइट में एनिमल्स देखते थे। तो हम लोगों के पीछे ना एक भालू पड़ गया, बेयर, उसके ऊपर सर्च लाइट डाले ना तो वो पीछे मुड़कर चले जा रहा, सर्च लाइट बंद करते कि वो हमारे पीछे वापस आ जा रहा। तो वो जो आदिवासी था ना, उन्होंने बोला नहीं नहीं साहब, राजीव दादा थे, तो राजीव दादा को बोला नहीं अपन अब वापस गेस्ट हाउस को चले जाएंगे, स्लॉथ बेयर अपने पीछे पड़ गया, इट्स नॉट गुड कि अपने साथ पीछे आना बोलकर। ठीक है बोलकर हम लोग वापस पलटा कर चले गए गेस्ट हाउस को। तो जब भी हमारा टाइगर देखने का वो हो। तो देखिए ये ताड़ोबा लेक में, इसके आपको और मस्त वीडियोस और पिक्चर्स बताऊंगी, क्या मस्त साइटिंग हुई तो है हम लोगों की, कुछ बोलना नहीं है टाइगर लेक पर। तो चलिए आप, आपको मैं और बताऊंगी, देखते चले जाइएगा। और क्या बोलूं आपको, ये क्या हुआ मतलब, हम लोग यहाँ से ड्राइव कर रहे थे तो अनुषा बोली कि अरे मेरे को कुछ साइटिंग हुई बोलकर। तो हम लोग जब देख फिर पीछे वापस लेकर आए तो वो कुछ भी नहीं था, आई थिंक उन्होंने कुछ झाड़ को देख कर बोली होगी। एंड आई बिलीव ये जो लेक है ना, इसमें क्रोकोडाइल्स भी बहुत है बोलकर। तो अब देखेंगे अब क्या होता बोलकर। लोगां भी यहाँ पर ठहर कर पिक्चर्स ले रहे और रील्स बना रहे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, फोटोज ले रहे सब जने अपने अपने, तो बहुत मज़ा आया ये ड्राइव पर। तो हम लोग एक जगह गए, आई थिंक ऐसे ड्राइव कर लेते हुए गए, तो ये ड्राइव ख़त्म हुए बात से, ये लेक ख़त्म हुए बात से, वहाँ पर जो है सो कि एक राइट हैंड साइड को एक सर्वेश पोहा पॉइंट बोलकर है, क्या मस्त पोहा बनाकर दिया मालूम उनो, कुछ बोलना नहीं। लोग यहाँ पर वॉक कर रहे, अब देखिए वो सब पॉइंट वहाँ से आकर हम लोग हमारी जीप के पास आ गए एट अजगरी गेट, एंड वी आर वेटिंग फॉर आर जीप टू कम बैक। आई थिंक यही हमारी जीप है, तो जीप के लिए हम लोग आ